कोई दिक्कत नहीं है, तो पढ़ लेना, टेस्ट है क्योंकि 4 तारीख को फाइनल हो गया। चलो क्या, अभी ये व्योम सर से बात करो, मतलब कल टेस्ट है व्योम सर का। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, सिंधिया डायनेस्टी, ये जो डायनेस्टी का नाम है ये शिंदे वर्ड से निकला है। कहाँ से? शिंदे, ठंड लगती है यार। ठीक है, शिंदे जो लोग थे ये एक एग्रीकल्चर रिलेटेड काम करते थे, एग्रीकल्चर कम्युनिटी थी। ठीक है, तो वहाँ से ये शिंदे वर्ड हमारा निकला है, ये लिख लेना कहीं साइड में। इसके बाद याद होगा आपको बहुत सारे बैटल हुए थे, उनमें ये राणोजी सिंधिया पार्टिसिपेट करते हैं बाजीराव फर्स्ट के साथ, है ना? तो वही वाला सीन है। तो इनकी भी अपन को पता है बैटल ऑफ तिरला हुआ था बैटल ऑफ तिरला, उसके बाद क्या हुआ था, इनको भी ये वाला जो उज्जैन वाला एरिया है वो मिल गया था, है ना? अब जो है इनकी क्रोनोलॉजी या जीनोलॉजी है वो हमें पढ़ लेनी है फटाक से, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कौन है? रानो जी, फिर जप्पा राव, सॉरी जयप्पा राव सिंधिया, हालांकि इम्पोर्टेंट रोल भी नहीं है तो जाने दो। फिर है दत्ता जी, ये भी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर है नहीं हमारे लिए। फिर ये है जनको जी, जनको जी ये भी कुछ टाइम के लिए, इनके लिए बस इसीलिए है क्योंकि इनकी जो बस पासिंग है, कुछ नहीं है इनमें भी, कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। महाजी सिंधिया, बस यहाँ से लेके ये रूलर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बीच के कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के है नहीं। राणो जी बस फाउंडर है, इतना याद रख लेना। और राणो जी ने उज्जैन को कैपिटल बनाया, बैटल ऑफ तिरला और इन सब में पार्टिसिपेट करा था, बाजीराव फर्स्ट के संग दिल्ली कैंपेन के लिए भी गए थे। ये कुछ इनके फैक्ट हैं, तो वो अंडरस्टूड हो चुका है अभी तक, हम तीन जैसे डायनेस्टीज पढ़ चुके हैं तो मैं समझ आ चुका है फाउंडर क्या कर रहे थे, है ना, किसके साथ थे, ये मेन है। इनको अपन को पढ़ना है कौन सा है, महाजी सिंधिया। टाइम पीरियड भी देखते जाओ इनका थोड़ा सा, तो 1761 से लेके 1794, अब टाइम पीरियड देखो कौन सा है, ये 61 इंपॉर्टेंट ईयर है, पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, बिल्कुल ये इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। फिर कौन है, दौलत राव सिंधिया, फिर हैं अपने जनकोजी राव सिंधिया, फिर हैं जयाजी राव सिंधिया, ये अपने 1857 रिवोल्ट के समय पे हैं। फिर हैं माधोराव, ये फर्स्ट हैं, ठीक है, जो माधोराव सेकंड थे ये अभी जो इनके पापा हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के, वो माधोराव सेकंड थे, हालांकि माधोराव सिंधिया के नाम से भी यही जाने जाएंगे। और फिर हैं अपने जीवाजी राव सिंधिया, ठीक है, लास्ट जो है जिनके नाम पे यूनिवर्सिटी भी अपने, जीवाजी राव सिंधिया। चलिए भाई, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, सबसे पहला सॉरी है रानो जी। रानो जी 5 मार्कर भी एक्सपेक्टेड है आपको और 3 मार्कर भी एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो फाउंडर ऑफ सिंधिया डायनेस्टी, पार्टिसिपेटेड इन दिल्ली कैंपेन, यही मैंने बातें बताई हैं, है ना। मालवा में जो राइट मिले थे सरदेशमुखी कलेक्ट करने का, और ये इनिशियल तो वही मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट इनके बारे में याद रख लेना कि जो महाकालेश्वर मंदिर अभी का प्रेजेंट स्ट्रक्चर है वो इन्होंने ही बनवाया है, उज्जैन का प्रेजेंट स्ट्रक्चर। इससे पहले आपको पता है इल्तुतमिश है ना, हाँ बिल्कुल, इल्तुतमिश ने था जो महाकालेश्वर मंदिर को तोड़ा था, तो इन्होंने इसको इसको रिनोवेट करवाया है। कैपिटल इनकी क्या थी? उज्जैन थी। चलिए इतना ही याद रखना है, 3 फैक्ट है मेजर, इससे 5 मार्कर आप आसानी से बना सकते हो। कहानियां बकनी है, मिलिट्री कमांडर और बाजीराव फर्स्ट, क्या बोलते हैं, एक्सेप्शनल रोल इन बैटल ऑफ तिरला, बैटल ऑफ सारंगपुर, है ना, ये सारे बैटलों का नाम लिख देना अगर 11 मार्कर आ जाए तो। फिर कल्चरल उसमें बोल दोगे भाई जो अपना ये बनवाया मंदिर, इसके अलावा क्या बताओगे आप बताओ, कैपिटल हो गई, ये हो गई, फाउंडर हो गया, बस इतने में ठीक है। और वेलफेयर वगैरह तो लास्ट में चिपकाना ही होता है सबके में, जब 5 मार्कर कंप्लीट ना हो पा रहा हो। चलो ठीक है, यहाँ जाते हैं जनकोजी सिंधिया। तो ये कुछ बहुत ज्यादा इसमें है नहीं, एक बात याद रख लेनी है कि ये गए थे, ये भी किसमें अपना, बिल्कुल टाइम पीरियड वही है, बीच वाला तो दोनों बाप बेटे जाएंगे, है ना, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, और बाकी कुछ है नहीं है, ठीक है, दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, ठीक है। प्रेफरेंस फिर भी आप महाजी सिंधिया को दोगे, ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन भी आ जाए, वैसे तो आएंगे नहीं, आ गया तो भी आप महाजी सिंधिया को प्रेफरेंस दोगे, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट रूलर है क्योंकि ये एक्चुअली क्या है ना, क्या हो रहा है, ठीक है, इनके बारे में एक चीज याद रख लेना कि ये गए तो थे बट वहां से जैसे तैसे इनकी जान बच गई थी, जान बच के कौन लेके आया था, राणे खान।
राणे खान ने इनकी लाइफ बचाई थी और इन्होंने क्या बोलते बाद में इनको जागीर भी गिफ्ट की थी। ठीक है भाई, वही वाला सिस्टम है, बैटल ऑफ पानीपत में। इसके बाद आता है ग्वालियर को इन्होंने जीता महादजी सिंधिया ने, कब? 1764 में। किससे? लोकेंद्र सिंह जाट। राणा क्या, हाँ इनको पानीपत के युद्ध में मरने ही वाले थे, ऐसी स्थिति हो गई थी, बचा ले आए थे जिंदा। ठीक है, तो राणे खान को क्या मिल गया, इनको जागीर भी मिल गई थी। ठीक है, इसके बाद याद रखना महाजी सिंधिया के बारे में, जाट राजा लिख लो यहाँ पे, लोकेंद्र सिंह जाट, लोकेंद्र सिंह जाट इनको हराया था, गोहद के हैं ये। ठीक है, गोहद के लोकेंद्र सिंह जाट को हराकर इन्होंने ग्वालियर को जीता। ठीक है, इसके बाद एक बात याद रखनी, अच्छा एक बात बताओ, ग्वालियर के किले में कौन से जाट रूलर की वो है समाधि? इनकी नहीं है, भीम सिंह राणा की है। किसकी है? ये इम्पोर्टेंट जाट रूलर है जिन्होंने ग्वालियर पे अच्छा खासा कंट्रोल किया था, भीम सिंह राणा, उनकी छत्री भी है वो। जौहर कुंड कभी गए हो किले पे? कोई गया है जौहर कुंड? देखा है जौहर कुंड, उसके जस्ट सामने एक बहुत सुंदर सा स्ट्रक्चर बना है, वो भीम सिंह राणा की छत्री है। अभी अब अगली बार जाना तो देखना। ठीक है चलो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद शाह आलम सेकेंड, आपको पता है उन्होंने, उनको क्या दिया था? राज राजेश्वर अलीजा बहादुर का टाइटल दिया था। किसको दिया था, याद आया? होलकर में यशवंतराव होलकर को दिया था, भूल गया था। चलो कोई दिक्कत नहीं, इनको इन्होंने नायब की उपाधि दी थी। ठीक है, नायब यानी कि प्राइम मिनिस्टर, एक तरीके से है ना, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट इनको प्रोवाइड की थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अपन देख लेते हैं इसमें बैटल ऑफ लखेरी। देखो बैटल ऑफ लखेरी जो है इस समय पे जो टाइम पीरियड है वो देखो क्या है, 1793। रानी अहिल्याबाई होलकर रानी है होलकर की, है ना, बट इनके कमांडर कौन थे मैंने बताया था, तुकोजी राव थे, तुकोजी राव अहिल्याबाई के वो थे ना कमांडर, तो इन्होंने उनको हराया था। ठीक है, बैटल ऑफ लखेरी। ये लखेरी जो है वो राजस्थान में पड़ता है, पर्टिकुलरली बूंदी जिले में, हड़ौती के पठार में। कोई दिक्कत नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं अपने लिए, बस लखेरी याद कर लेना, राजस्थान में एमपी में नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या याद रखना है अपन को, हाँ इन्होंने किसको हराया था, अपने तुकोजी राव होलकर को हराया था, लिख लो आगे चाहिए तो। और उस दिन जब ये हरा कर आए तो उन्होंने शोक दिवस मनाया, मतलब ये कि भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं ना एक तरीके से, ये लोग एक ही कमांडर और एक ही उसके क्लान के हैं बट लड़ रहे हैं, ये तो हराने का शोक दिवस, मतलब नौटंकी मान लो और क्या बोलेंगे मतलब हरा भी इंटेंशनली रहे हो, शोक दिवस मना, बट ठीक है अपन को याद रखने वाली बात है कि इन्होंने शोक दिवस या फिर सैड डे कुछ भी मना लो इस तरीके से, शोक दिवस मनाया। ये लिखा नहीं नोट्स, बैटल लखेरी, अच्छा हाँ लिख लो यार, कुछ कुछ फैक्ट ऐसा हो सकता है क्योंकि मैं थोड़े जल्दी में वो प्रिंट करवा दिए थे, कुछ कुछ फैक्ट्स एक्स्ट्रा हैं, लिख लो बैटल ऑफ लखेरी लिख लो, इसमें ये लिख लेंगे अपन, इसमें लिखेंगे महादजी सिंधिया वर्सेस तुकोजी राव, ब्रैकेट में अहिल्याबाई लिख लेना क्योंकि आपको पता है अहिल्याबाई का टाइम पीरियड चल रहा था बट हराया तुकोजी राव को, तो ठीक है क्योंकि वही बैटल, अहिल्याबाई तो आएंगी नहीं लड़ने, वही आए थे और वो काफ़ी बूढ़ी भी हो गई थी उस समय पे, बाकी शोक दिवस के रूप में इन्होंने मनाया और लास्ट बैटल था इनके जीवन का, इसका कोई खास इन्होंने बैटल लड़ा नहीं। ठीक है डन, बैटल ऑफ लखेरी। थोड़ा इसमें एक दो चीजें एक्स्ट्रा ऐड करी है मैंने, ये हमारे प्यारे दौलत राव सिंधिया जी, दौलत ही दौलत है इनके पास, तो ऐश आराम पिताजी बहुत ज्यादा जोड़ जाड़ के, महाजी सिंधिया के टाइम पे बोलते हैं इतना इन्फ्लुएंस था इनका कि जो पेशवा थे ना पुणे वाले वो भी इनकी मानते थे, मतलब वो डरते थे कि ये कभी भी क्या बोलते हैं कू कर सकते हैं, अपने अंडर पूरा कंट्रोल ले सकते हैं, इनका इन्फ्लुएंस पंजाब तक था इस तरीके से बताया जाता है, तो मतलब ऑब्वियसली इतना इन्फ्लुएंस है बट बेटा थोड़ा सा नालायक है। ठीक है, अब इसके समय पे क्या हो जाएगा ना, अंग्रेजों के अंडर चले जाएंगे पूरी तरीके से। वहीं हम महाजी सिंधिया के बारे में बात करें तो काफी सारे बैटल अंग्रेजों से उन्होंने जीते हैं, उनसे दबके रहते थे अंग्रेज, है ना। चलो ठीक है, दौलतराव सिंधिया टाइम पीरियड देख लेंगे अपन। ठीक है, इसके बाद बैटल ऑफ कुडरला, ये याद रख लेना है, बैटल ऑफ कुडरला जिसमें निजाम को हराया इन्होंने, निजाम माने कि हैदराबाद के निजाम। देखो आपको पता है मराठाओं में वही था, चौथ सरदेशमुखी बटोरते थे तो निजाम ने नहीं दिया होगा, तो फिर मराठा कन्फेडरेशन ने इनको अपॉइंट किया था उनको जाके हराओ, तो बैटल ऑफ कुडरला हुआ जिसमें उन्होंने उनको हराया और फिर उनसे चौथ सरदेशमुखी रिकवर किया जो भी इनका था, तो ये अपन को याद रख लेना है। ठीक है, 1964 में बैटल ऑफ कुडरला। चौथ टैक्स होता था जो मराठा लगाते थे अपने आसपास के राज्यों पे कि आपको सेफ्टी चाहिए, एक्सट्रॉशन मनी बोल सकते हो आप इसको,
है ना, एक तरीके का। चौथ और सर देशमुख की इनकी एक्सट्रॉर्शन बनी है। वो गुंडे होते हैं ना, खुद के प्रोटेक्शन के लिए पैसे मांगते हैं, वही वाला कहानी है। तो ये उसी तरीके से दादागिरी थी इनकी, आपको हमसे प्रोटेक्शन चाहिए तो हमें पैसे देते रहना, ठीक है। तो चलिए, कोई दूध का धुला नहीं होता। ट्रिटी ऑफ सुरजी अर्जुन गांव लिख लो, ये शायद नहीं लिखी होगी। ट्रिटी ऑफ सुरजी अर्जुन गांव, देखो अभी इस समय तक जो टाइम पीरियड है 1802-3 के आसपास, हमारा थर्ड एंग्लो मराठा वॉर कंप्लीट हो रहा है। एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, मराठा और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई हो रही थी। क्यों हो रही थी भाई? सबको अधिक वो चाहिए ना अपनी सुप्रीमेसी, तो उसी को लेकर लड़ाई चल रही थी। तो उसमें क्या हो रहा था कि ये सुरजी अर्जुन गांव की ट्रिटी हुई है, लास्ट जब खत्म हो रहा है, तो इसमें लॉर्ड लेक, नाम याद रख लेना, ये ब्रिटिश ऑफिसर है, और ये इसमें इन्होंने सब्सिडरी लाइंस यानी कि सहायक संधि साइन कर लेंगे ये, है ना, जो सब्सिडरी अलायंस है वो ये साइन कर लेंगे। उसमें क्या होता था, वही हमारा व्यक्ति आपके यहाँ रहेगा, है ना, हमारा एक एजेंट बैठेगा, आपको अपनी बाहर की आर्मी रखनी नहीं है, आर्मी हम आपको प्रोवाइड करेंगे जो बाहर वाली है, आउटर प्रोटेक्शन है, आपके कोई भी इंटरनेशनल संबंध आप नहीं बना सकते हो, हम बना के देंगे। वही अपनी सब्सिडरी अलायंस थी, वही चलती है, सबको उनको था, वेले चले लेके आया था, तो वो वाली इन्होंने साइन कर ली। अब साइन कर ली तो आपको वैसे रीजनल नॉलेज बता देती हूँ क्योंकि इंटरव्यू में काम आ जाएगी। ये जो अपना एनसीसी वीमेन वाला है ना, देखा है आपने, यही वाला वीमेन वाला, वो वाला नहीं, उधर नहीं, यहाँ पे अपना जो रेलवे स्टेशन के सामने है ना, वो रेजिमेंट इनका था, रेजिडेंस था, ठीक है, मतलब कि जो अंग्रेजों का रुकने का। और होलकरों वाला पता है कौन सा था, जो आज एमपीपीएससी का हेडक्वार्टर है ना, वो होलकरों का रेजिडेंसी एरिया था, ठीक है। चलो, तो ये सब्सिडरी लाइन्स, क्योंकि ये आपसे कभी पूछ लें तो अपन को पता होना चाहिए एक रीजनल नॉलेज के बेसिस पे। फिर आते हैं दौलत राव सिंधिया के बारे में, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट कि भाई पिताजी ने ग्वालियर जीता तो ये ग्वालियर शिफ्ट इन्होंने कैपिटल कर ली, ठीक है, बिल्कुल, लश्कर बसाया, ग्वालियर कैपिटल शिफ्ट कर ली, है ना। इसके कंपू कोट कंपनी गोरखी, गोरखी जो अभी है ना, अब तो खैर नहीं रहा, खत्म हो गया है गोरखी स्कूल, है ना, पहले था उधर अच्छा खासा, जो अभी यहाँ पे सीएम राइज स्कूल बनने लगा है ना, गोरखी वाला बाड़े पे था, नहीं नहीं ये वाला नहीं, बाड़े पे था, गोरखी स्कूल था पहले, अब उसको सीएम राइज में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो ओरिजिनल स्ट्रक्चर को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है। तो जो गोरखी पहले से वो इन्होंने ही बनाया था रहने के लिए ऑब्वियसली इनिशियल में, ठीक है। इसके बाद अपन कुछ लश्कर माने जहां पे आर्मी रुकती है उसको लश्कर बोलते थे, तो इन्होंने ये बसाई, ठीक है। सेम छावनी भी है इसी तरीके से, लश्कर बड़ा है, छावनी छोटी होती है, जैसे शिंदे की छावनी, यहाँ पे शिंदे लोग जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है उनकी छावनी, वहां की आर्मी रुकेगी, है ना, यहाँ पे सारे नाम इसी तरीके से हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद आते हैं मोती वाला, इनको क्यों बोला गया, क्योंकि ट्रेड, पर्ल ट्रेड इन्होंने इसको मोटिवेट किया था, उसको बढ़ाया था, उसका मार्केट ओपन करवाया, हालांकि अब नहीं बचाई है, पहले था। चलो, इसके बाद आता है ट्रिटी ऑफ, ये लिखनी है आप लोगों को, ट्रिटी ऑफ ग्वालियर, दिस इज इंडिविजुअल 5 मार्कर भी आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो। ट्रिटी ऑफ ग्वालियर ये लिखी नहीं है, मैं बता रही हूँ, आपको लिख लेनी है ट्रिटी ऑफ ग्वालियर, ठीक है। ये कब आई अपनी, 1817 में। इसमें क्या हुआ, सेकंड जो थर्ड सॉरी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर कंप्लीट होगा, थर्ड एंग्लो, ये लिखी नहीं है, लिखनी है, ठीक है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर कंप्लीट होगा, ट्रिटी ऑफ ग्वालियर साइन होगी। इसमें दो कंडीशन है, पहली चीज आपको पूरा राजस्थान छोड़ना, अच्छा इसमें कौन है, वारन हास्टिंग, लॉर्ड वारन हास्टिंग, वहां पे कौन था, लॉर्ड लेक था। यहाँ पे दोनों ही टाइम दौलत राव सिंधिया ही, ऑब्वियसली दौलत ज्यादा ही है तो अंग्रेजों के हाथों लुटा देंगे, ऐसा याद रख लेना, अंग्रेजों ने सारी दौलत इनसे छीन ली है, ठीक है, तो दौलत राव सिंधिया आपको याद रह जाएंगे एक लमसम। इसके बाद राजस्थान वाला जो एरिया है वो ब्रिटिशर्स ने ले लिया, इनका धौलपुर तक इन्फ्लुएंस था और आगे तक भी इन्फ्लुएंस था, यहाँ तक कि जो भी अपने कौन से बालाजी है मेहंदीपुर, उस एरिया तक भी इनका इन्फ्लुएंस माना जाता था, तो ये सब इन्होंने दे दिया, ऐसा कुछ सी हैंड ओवर कर दिया। फिर बोथ पार्टीज हैव टू डिप्लॉय आर्मीज टू सप्रेस पिंडारी, पिंडारी कौन होते थे, झुंड में चलते थे ये लोग और एकदम से अटैक करते थे, लूटपाट मचा देते थे। तो आपको पता है कर्नल जो स्लीमैन, कैप्टन स्लीमैन को अपॉइंट किया था विलियम बेंटिक ने, याद आया कुछ नाम आ रहा है हल्का फुल्का सा, विलियम बेंटिक ने स्लीमैन को अपॉइंट किया था ना, तो हालांकि ये टाइम पीरियड वो नहीं है क्योंकि वो 1833 में आएगा, बट उससे पहले भी काम चालू हो गया था, है ना, तो वही वाले पिंडारियों का दमन करने के लिए इनके संग ट्रीटी की गई थी।
है, हालांकि पिंडारी पता है कौन थे? पिंडारी एक्चुअली मराठा की ही देन थे। मराठा आर्मी में ये लोग सोल्जर्स थे पहले के जमाने में, फिर मराठा आर्मी से निकाल दिया गया, तो ये लोग इस तरीके से लूटपाट मचाने लगे थे, तो ये पिंडारी बन गए थे। फिर ये हेरिटेज मतलब हेरिडिटरी वाई ये लोग लूटपाट मचाने लगे। ठीक है, इस पे मूवी बनी है ना वो वीर जार, नहीं वीर वीर ओनली वीर है, जारा नहीं है, वीर मूवी है सलमान खान की, पिंडारी वाले उस पे है। हाँ ठीक है, क्या? अरे बता देना, मैडम ने दिया होमवर्क, वो ऐसी होमवर्क दे रही है आजकल। चलो ठीक है, हो गया डन, ये लिख ली। दो बातें मेन है इसमें, टाइम पीरियड याद रख लिया। ये 5 मार्क का अपने आप में वैसे इनफ है, 50 वर्ड्स हैं, आप लिख सकते हो एज इट इज भी, है ना? कि भाई ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, पहली बात, दूसरी बात हो गई 1817 हो गई विथ, हाँ मतलब वारन हास्टिंग और दौलतराव सिंधिया के बीच में हुई, फिर दो इसकी टर्म कंडीशन आप लिख दोगे, कंप्लीट 5 मार्कर आपका। पिंडारी पहले मराठा आर्मी के सोल्जर्स थे, फिर मराठी मराठा आर्मी ने इन्हें निकाल दिया, निकालने के बाद क्या हो जाएगा, अब वो कैपेबल तो है ही, बाहुबली तो है ही, तो लोगों को लूटपाट मचाते थे, लूटते थे, और ये काफी सारे इकट्ठे झुंड में आते थे, बहुत सारे ब्रिटिशर्स परेशान थे इनसे, और क्या, इनको भी लूटते थे, जनता को भी लूट रहे हैं, ट्रेडर्स ट्रेड एक्टिविटी नहीं बढ़ने दे रहे, तो अंग्रेजों को तो नुकसान ही है ना इसमें, तो फिर ये इसको दमन करना चाहते थे। ठीक है, सबसे जो बड़ा एक्शन है विलियम बेंटिक के समय, मतलब है कुछ कुछ इनका खत्म हो जाएगा, वैसे तो ठगी प्रथा भी बोलते हैं इसको, कुछ कुछ इससे रिलेटेड ही है वो भी, ठगी भी कुछ कुछ इनसे ही निकले हुए ऑफशूट ही है, ठगी भी इनसे ऑफशूट है, पिंडारियों का ऑफशूट है, पिंडारी इकट्ठे घूम रहे हैं, ठगी में तो कुछ नहीं, बस लूटपाट मचा रहे हैं जगह जगह जाके, थोड़ा सा अलग है बट ऑफशूट है इन्हीं का बोलते हैं। चलो चलो यहाँ पे आ जाते हैं अपन, पूरी तरीके से विलियम बेंटिक खत्म करता है। चलो, पद्माकर हिंदी के जो पोएट है पद्माकर, वो इनके कोर्ट में थे, इन्होंने क्या लिखी थी इनके लिए, एक किताब है अलीजा प्रकाश, तुम लोगों ने पढ़ा तो होगा, नहीं जो मैंने दिया था राइटर वाला, शाबाश भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सुन लूंगी, टेस्ट होगा ना, टेस्ट टेस्ट होगा, अब तो क्या, तो टेस्ट ही है। ठीक है, तो इसमें क्या है अपन को याद करना है, पद्माकर, दौलतराव के बाद बहुत दौलत है तो पद्माकर को रखेंगे और अलीजा प्रकाश लिखवा लेंगे, इसके बाद क्या है, मोती महल। अच्छा मोती महल के बारे में सुन लो ध्यान से बात, मोती महल पैलेस यही अपना यहीं पे है, पता है सुंदर सी बिल्डिंग है, 1825 में बना है, ये बिल्कुल सही है, ये एज पर ग्वालियर NIC की वेबसाइट है, क्योंकि कई लोग इसको ये भी मानते हैं कि जयाजी राव सिंधिया ने बनवाया है, सॉरी कई जगह ये भी आपको क्वेश्चन मिलेगा कि जयाजी राव सिंधिया ने बनवाया है, तो जो ग्वालियर NIC की वेबसाइट है उस पर मुझे ये ईयर मिला। ठीक है, और बहुत क्लियर तरीके से उधर लिखा हुआ है कि ये दौलत राव सिंधिया के टाइम पे इसका कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था, तो आप किसी की बात नहीं माननी, आप तो सीधी गवर्नमेंट वेबसाइट उठा के दिखा देना। ठीक है, और जगह तो बहुत एडिटिंग होती है। अब मोती महल का एक इतिहास है, वो ये है, हमने जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश पढ़ा था तो मध्य भारत था, याद आया, एक मध्य प्रदेश था एक मध्य भारत, उस मध्य भारत की असेंबली हुआ करता था काफी लंबे समय तक। ठीक है, चलिए इनके बारे में तो कुछ नहीं है, बैजाबाई है मेन जो है यहाँ पे, हाँ बिल्कुल बैजाबाई इनकी कौन है, पैटर्न है, ये माइनर सन है और अडॉप्टेड भी, देखो यहाँ से पूरा अडॉप्टेड खेल है, सब अडॉप्टेड हो जाएंगे आगे तक जाते जाते, पता नहीं इनका क्या है, अभी भी एक ये एक बेटा चल रहा है ना, थोड़ा सिस्टम खराब है इनका का, तो ये अडॉप्ट बेटियाँ बहुत होती हैं और बेटे नहीं हो रहे हैं, तो वो अडॉप्टेड कर रहे हैं, है ना, जैसे कि अगर इनकी अभी ज्योतिराज सिंधिया की 4 बहन, नहीं माधवराव सिंधिया की 4 बहनें थी, है ना, हाँ ज्योतिराज सिंधिया की भी शायद बहनें हैं, पता नहीं उनकी जरूर थी 4, माधवराव की जरूर 4 बहनें थी, पद्मा और अभी तो वो वसुंधरा राजे और यशोदा राजे तो है ही, है ना। चलो ठीक है, यहाँ देखते हैं अपन फटाक से, अडॉप्टेड सन थे, दूसरी चीज है कि बैजाबाई इनकी कौन है, पैटर्न है, माने कि ये संरक्षिका, तो बैजा ताल कौन बनवाएगा, यही बनवा देंगी अपनी बैजा ताल, ये फर्स्ट फ्लोटिंग स्टेज है, फ्लोटिंग स्टेज पता है वो पहले स्वर्णरेखा नदी अब नाला हो गया जो भी मान लो, तो उसमें फ्लोटिंग स्टेज है एक तरीके से, ठीक है पहला है मध्य प्रदेश का। इसके बाद ये बैजाबाई ने गोपाल मंदिर भी बनवाया उज्जैन में, क्या हुआ था, ये थोड़े बड़े हो गए, पहले तो बच्चे थे तो उन्हें समझ नहीं आता था। अच्छा बैजाबाई का कॉन्ट्रीब्यूशन भी है, कभी 5 मार्कर आ सकता है, मतलब खुदा ना खासा आ जाए, नहीं आएगा
आ जाएगा तो पहला तो ये लिख देंगे भाई पैटर्न और दौलत राव सिंधिया, दूसरा बैजताल घाई, तीसरा इनका गोपाल मंदिर है। इसके अलावा आपको क्या लिखना है कि जितने भी रिफॉर्म है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ये लेकर आई थी, उसके लिए दो चार अलग अलग लाइनें बना लेना पेटेंट अपनी और वो छापते रहना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, किसकी पैटर्न है, अपनी जनकोजी राव सिंधिया की और दौलत राव की पत्नी है जयाजी राव, सबसे इंपॉर्टेंट रट लेंगे इनको अच्छे से। जयाजी राव सिंधिया के टाइम पीरियड तक आते थे ना ये लोग इधर उधर भटक रहे थे, पहले किले पे रहते थे, फिर समझा यार बड़ी गर्मी है नया टाइम आ गया तो इन्होंने वो बनवा लिया था मोती महल और वो बनवा लिया था अपना जो गोरखी महल वो बनवा लिया था किसने, दौलत राव सिंधिया ने, है ना। अब यहाँ तक आते जाते वो भी पच नहीं रहा था इनको, तो अब इन्होंने क्या बनवाया है कंपू कोठी, जो आज के डेट में पद्मा स्कूल है, पद्मा स्कूल देखा है वो कंपू कोठी कहलाती थी पहले, ठीक है। तो इन्होंने कंपू कोठी का निर्माण करवाया और फिर फाइनली अपने लिए एक आलीशान महल जो अपन देखते ही हैं, है ना, बिल्कुल जयविलास पैलेस, है ना। तो चलिए आ जाते हैं, ये माइनर थे पहले, तो इनकी जो संरक्षिका थी स्टार्टिंग में कौन थी, इनकी माँ ताराबाई, तो ताराबाई का एक इम्पोर्टेंट रोल है, बट फिर बाद में बड़े हो जाएंगे, जैसा कि मैंने बताया था कि राजा छोटे थे 1857 रिवोल्ट के समय पे, तो सर दिनकर राव भी यहाँ पर थे इनके प्राइम मिनिस्टर, पता नहीं लिखा है कि नहीं इसमें कहीं, नहीं लिखा तो लिख लो सर दिनकर राव, ये लिखा है सर दिनकर राव का आप लिख ले, है ना। चलिए जयविलास पैलेस बनवाया जिसके लिए जो चीफ आर्किटेक्ट ने, ये नाम आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, माइकल फिरोज, माइकल फिलोज, ठीक है। तो ये कौन है यहाँ कर अपने चीफ आर्किटेक्ट, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। ग्वालियर घराना जो आपको पता है कि ख्याल म्यूजिक घराना है, ग्वालियर घराना कौन सा है, ख्याल संगीत, ख्याल म्यूजिक, बहुत सारे टाइप का होता है ना म्यूजिक, उसमें ख्याल म्यूजिक पर्टिकुलरली यहाँ का फेमस है, तो उसको जो पैटर्न करने का टाइम है वो इनका बहुत क्लास इंपॉर्टेंट टाइम है, काफी इसमें एडवांसमेंट होता है। फिर ये बताई दिया कंपू कोठी, है ना, ख्याल म्यूजिक क्या है भाई, मैं म्यूजिक टीचर नहीं हूँ लेकिन मुझे पता है कि ये ख्याल म्यूजिक एक तरीके का म्यूजिक होता है जिसको यहाँ पे गाया जाता, ठीक है। अरे वही राग तानसेन, तानसेन समारोह चले जाना तुम तो, अभी दिसंबर में होगा, अभी होगा, है ना, अपना वही 25 दिसंबर तक चलता है, एक बार चले जाना, 3-4 दिन का होता है, सारे म्यूजिक पता चल जाएंगे दुनिया भर के, वहाँ रोमन इटली हर तरीके की परफॉर्मेंस होती है, ख्याल ध्रुपद सब मिल जाएगा, कार्नेटिक वगैरह, है ना। हो या ना, मैं तो एक दिन ही गई थी, बड़ा सुंदर सा लगता है, झांकी वाकी बड़ी अच्छी, बस समझ कुछ नहीं आता आप वहाँ सुन नहीं सकते, वहाँ सिर्फ म्यूजिक प्रेमी ही बैठ के सुन सकते हैं, पेशेंस हो इतना कि भाई अब खत्म करो, कब खत्म होगा ऐसा लगता है, तो बीच से उठ के आना पड़ता है, ठीक है। चलो भाई यहाँ पे गोले गाना हो गया, आ जाते हैं नेक्स्ट। हाँ वो 1857 रिवोल्ट में आप क्या इनका, अच्छा रह गए अपने, थोड़ा एक बात सुन लो, 1857 रिवोल्ट के बारे में क्या लिखोगे, जरूरत पड़ी तो ये लिखोगे कि भाई एक तो ये माइनर थे, मतलब उस लेवल पे नहीं थे कि डिसीजन मेकिंग कर सके, दूसरा सब्सिडरी अलायंस साइन कर रखी थी, तो ये अंग्रेजों के विरोध जाते, तो इनकी बाद में हड़पने का भी था कि भाई हड़प लेते अंग्रेज इनको, है ना, और फिर सब्जेक्ट्स भी परेशान होते अगर ब्रिटिश कंट्रोल में आ जाता। फिर तीसरी बात क्या लिखोगे कि इनका एक इनडायरेक्ट रूप से सपोर्ट भी है, कहने को तो ये अपनी आर्मी बेस के सप्रेस भी कर सकते थे रिवोल्ट, है ना, लेकिन फिर ये आगरा भाग जाते। एक और बात लास्ट में लिख दोगे कि भाई 1857 का जो रिवोल्ट था वो पर्सनल ज्यादा था लोगों के लिए, है ना, एज अ देश होल के लिए काम नहीं कर रहे थे, सब अपने पर्सनल मोटिव से काम कर रहे थे वहां पे, रानी लक्ष्मीबाई हो चाहे कोई भी हो, सब एक पर्सनल मोटिव के लिए लड़ रहे थे, तो इनका कोई पर्सनल मोटिव था नहीं, ठीक है। ये सारी बातें आप लिख के इनका रोल डिफाइन कर सकते हो, विलेन बना देना सर दिनकर राव को, प्राइम मिनिस्टर थे अपने तो उन्होंने सजेशन दिया था कि आगरा भाग जाओ जयाजी राव को, क्योंकि जयाजी राव कितने साल के होंगे, बहुत छोटी एज में थे, मुश्किल से 18-17-18 साल के थे, इस आसपास की एज के थे, 16-17-18 के आसपास की एज, तो कोई एज थोड़ी ना थी कि इतना बड़ा डिसीजन ले ले कि भाई रानी दौड़ लगा के आ रही है सेना के संग, मैं क्या करूं, इनका साथ दूं कि अंग्रेज, मेरे पड़ोसी दोस्त यार भाई बहन है सब, उनका साथ दूं क्या करूं, है ना। तो वो उनको सजेशन मिला कि आप तो आगरा चले जाओ, जो होगा देखा जाएगा, तो भाई आर्मी भी नहीं करी, सब कुछ है, एक इनडायरेक्ट सपोर्ट भी मान सकते हो आप, 2-3 तर्क लिख के आपको आंसर बना देना है अपना, ठीक है। चलो ये कौन है अपने सबसे इंपॉर्टेंट रूलर, माधोराव सिंधिया फर्स्ट है, इनके बारे में सबसे ज्यादा रिफॉर्म वाले जो काम है, सबसे ज्यादा याद रखने वाले काम है वो यही व्यक्ति है, और ये 11 मार्कर एक्सपेक्टेड है, इस पूरी डायनेस्टी से सिर्फ यही एक व्यक्ति है जो 11 मार्कर में आपको आ सकता है, ठीक है। तो इसको अपन को अच्छे से तैयार कर लेना, इसका एक अच्छा खासा आंसर भी लिखने को ट्राई करना, है ना।
सेग्रीगेट करके चीज़ें, तो क्रिएटर ऑफ मॉडर्न ग्वालियर, ठीक है। ऑब्वियसली ये भी अडॉप्टेड सन ही थे, ठीक है, अडॉप्टेड थे और माइनर भी थे। तो माइनर थे तो बच्चे हैं तो क्या होगा, उस समय पे खुद तो मैनेज कर नहीं पा रहे, इनकी इनकी माँ का भी कोई बहुत बड़ा रोल आता नहीं है। तो उस समय पे काउंसिल ऑफ माधवराव बनाई गई थी, काउंसिल ऑफ माधवराव बनाई गई थी 1894। क्या होता था, देखो ये इतने बच्चे, ये लोग अपनी तो राजा तो अपना जीवन जी ले रहे हैं, लेकिन चक्कर क्या हो रहा है, इनके बेटे नहीं हो रहा है, तो ये अडॉप्ट कर रहे हैं लास्ट में जाके, तो वो माइनर ही हो जाएगा। तब तक राजा मर गए, बच्चा छोटा है, माइनर ही होगा, है ना, इसलिए यहाँ पे अपन को राजा भी कम मिल रहे हैं, है ना, अच्छी बात है अपने लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, काउंसिल ऑफ माधवराव का गठन किया जाएगा इनकी असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। इनको इनके समय के इम्पोर्टेंट काम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी पूरे मध्य प्रदेश में सबसे पहली बार ग्वालियर में ही बनाई गई थी, ठीक है, कब, ठीक है, तो पूरे मध्य प्रदेश में सबसे पहली बार लाइट कहाँ जमजमाई, हमारे यहाँ, ठीक है, 1905 में। कभी बताना हो कुछ, मतलब फर्स्ट इन ग्वालियर, फर्स्ट इन ग्वालियर कभी आपसे पूछ लें, आप ग्वालियर से ही हो, कभी पूछ लिया जाए इंटरव्यू में ही, पूछ लिया जाए फर्स्ट इन ग्वालियर बताओ। देखो ये डायनेस्टी अच्छे से प्रिपेयर बाद में भी आप करोगे इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे से, हालांकि इतना कुछ है नहीं ग्वालियर के बारे में, ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, डायनेस्टी से ज़्यादा पूछते नहीं है। कारण एक और है, ये लोग विवाद में रहते हैं, पॉलिटिक्स में रहते हैं, है ना, विवाद में रहते हैं, पॉलिटिक्स में रहते हैं। दो मेंस हो चुके, दोनों में से एक भी बार क्वेश्चन नहीं आया इन पे, है ना। अब पॉलिटिक्स में इतने एक्टिव है, क्वेश्चन पूछ ले तो लोग सोचेंगे बायस है पीएससी, तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि इस पे इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है, है ना। अब तुम आ जाए क्वेश्चन और तुम लिखे आओ इनने महारानी का साथ नहीं दिया था, अब तुम खुद सोचोगे तुम मतलब लिखे नहीं लिखे, बहुत सी चीज़ें हैं, तो ये थोड़ा उतना पूछते डायरेक्ट, वैसे फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाएंगे ऐसे नहीं आएंगे, ठीक है। फिर क्या करवाया इन्होंने, तिगरा डैम, ककेटो डैम वगैरह भी इन्हीं की देन है, ठीक है, अपना पता है ना आपको, ककेटो डैम है ग्वालियर में, तिगरा डैम हो गया। इसके बाद जॉर्ज कैसल, ठीक है, जॉर्ज फिफ्थ जो रूलर थे, आने वाले थे बट रह नहीं पाए, कहने उन्हीं के लिए बनवाया था, उन्हीं के वेलकम के लिए। कब बनवाया है, 1911 दिल्ली दरबार हुआ था, जब अपनी दिल्ली कैपिटल भी बनी थी, वही वाला टाइम है ये अपना, जब इन्होंने शिवपुरी मनवा के रखा था कि अब मेरा दोस्त आएगा, लंदन से आया मेरा दोस्त, बट आया नहीं, दोस्त नहीं आ पाया, टाइम नहीं मिला था, शेड्यूल इश्यूज, राजा है अपने आप में जॉर्ज फिफ्थ, ठीक है। फिर बाद में एक और चीज होती है कि प्रिंस ऑफ वेल्स आने वाले थे, कौन, आज जो अपना ये है ना गांधी पार्क नहीं है, वो भीमबेटकर, जो फुलवाग जो है ना, अंबेडकर पार्क जिसको अपन बोलते हैं, उस साइड गांधी पार्क के बगल से, वो उसी को बोलते हैं कि प्रिंस ऑफ वेल्स के आने पर इन्होंने ये जो फूलबाग है उसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था, 1912, सिंबल ऑफ वो था, तो फिर उसको जब आज़ादी हो गई, हाँ प्रिंस ऑफ वेल का स्टैचू भी लगवाया था आज, जहाँ पे अंबेडकर जी का, गांधी जी का, जिसका भी लगा है, गांधी जी का लगा, गांधी जी वाला है, हाँ जो गांधी पार्क है ना वो है, अंबेडकर वाला है, अंबेडकर वाला बाद में बना, हाँ गांधी पार्क जो है ना वो बनवाया था इन्होंने, वहाँ पे प्रिंस ऑफ वेल्स के स्टैचू भी लगाया, वो बड़ा सा स्टैचू जो गांधी का ना, इन्होंने फिर तोड़वाया बाद में, फिर गांधी जी के लगवाए आज़ादी के बाद, ठीक है। तो ये है विक्टोरिया बिल्डिंग, जो पहले विक्टोरिया पैलेस हुआ करता था ना बाड़े पे, जिसमें आग लग गई थी, विक्टोरिया पैलेस, अब वो दोबारा नया बन गया है, ये भी इन्होंने बनवाया था, ठीक है, जिसको अब रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी कर दिया गया था, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट, माधवराव सिंधिया के बहुत सारे काम है, इसके अलावा अगर आप बोलो तो वो भी जोड़ सकते हो कि भाई सिंधिया स्कूल का जो कार्यक्रम है वो भी इन्हीं के समय, लेकिन मैं सिंधिया स्कूल की कहानी बता देती हूँ, वो यही है कि वो मराठा सरदारों के लिए बनाया गया था, मतलब जनरल पीपल के लिए नहीं था, ठीक है। फिर बाद में इन्होंने पद्मा राजा स्कूल भी बनवा दिया, हालांकि कुछ काम तो करे हैं वेलफेयर के, ठीक है, तो आप ये सब लिख लेना, ठीक है, इसका एक डिटेल्ड आंसर मैं दे दूंगी हो सकेगा तो बाद में, एक अच्छा सा आंसर हैंड रिटन लिख दूंगी, ठीक है, अभी यार टाइप वाइप करना बहुत टाइम लग जाता है, एक हैंड रिटन आंसर भेज दूंगी, आप लोग लिख लेना, माधवराव सिंधिया पे अच्छा भेज दूंगी। चलो ये आते हैं फाइनल रूलर अपने, कौन है, जीवाजी राव, जिनके नाम पे यूनिवर्सिटी है अपने यहाँ, है ना, यूनिवर्सिटी है। तो ये कब के रूलर हैं अपने भाई, 25, तो मतलब कि इंडिपेंडेंट के टाइम पे लास्ट रूलर यही हो जाएंगे अपने। तो टाइटल ऑफ महाराजा मिला था इनको अंग्रेजों से। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, ग्वालियर रियासत उन 3-4 रियासतों में से शामिल थी जिनको 21 तोपों की सलामी मिलती थी, है ना, ये बहुत बड़ा ऑनर होता था अपने आप में अंग्रेजों के समय पे, 21 तोपों की सलामी मिलना। सिर्फ 4 रियासतें थी ऑल ओवर इंडिया में, 4 या 5, उनमें से ग्वालियर रियासत शामिल थी, समझ रहे हो, इतनी इंपॉर्टेंट है। एमपी में सबसे ज़्यादा जो कैनॉन की जो सैल्यूट होता है वो इन्हीं को मिलता था, तोपों की सलामी जिसको बोलते हैं, ठीक है। मर्जर कब हो गया हमारा, 23 जनवरी 1948 को हमारा ये मर्जर हो जाएगा,
ठीक है, डेट लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है अपन को। अगला देख लो इनके बारे में, ये वाइस चांसलर बने कौन सी, विक्रम यूनिवर्सिटी और बनारस यूनिवर्सिटी के। विक्रम यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, ये उज्जैन में है, बनारस तो बनारस में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कुछ नहीं है, मुंबई मर गया टाओ। कमला राजे हॉस्पिटल इन्हीं के टाइम पीरियड पर बना था, ठीक है। एक और याद कर लेना, राजमाता इनकी जो वाइफ है, ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राजमाता विजय राजे सिंधिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, ग्वालियर में ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट क्वीन ऑफ ग्वालियर है, ठीक है। इनका जो ओरिजिनल नेम वो क्या है, लिखा दिव्येश्वरी देवी, ठीक है। राजमाता विजय राजे सिंधिया, राजमाता तो जानते होंगे अपन, ग्वालियर में रहकर नहीं जानो तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। तो इसके बाद ये पॉलिटिकल लीडर है, यहाँ पॉलिटिकल लीडर मैं बता देती हूँ एक दो बातें। एक चीज़ है कि बहुत डायरेक्ट इंदिरा गांधी से लड़ गई थी अमेठी सीट पे, इसलिए फेमस हुई। फिर बीजेपी की वन ऑफ द फाउंडर मेंबर हम मान सकते हैं। इसके बाद आप ये लेजिस्लेटिव असेंबली की क्या बोलते हैं, लीडर रही हैं, है ना। इसके गोविंद गोविंद सिंह के टाइम पे, गोविंद दास या गोविंद राव क्या था, चीफ मिनिस्टर भूल रही हूँ सॉरी, एक चीफ मिनिस्टर रहे हैं गोविंद करके, आगे नाम याद नहीं आ रहा मुझे पूरा। उनके समय पे इन्होंने कांग्रेस को तोड़वाया था और अपनी सरकार बनवाई थी और खुद लेजिस्लेटिव असेंबली की हेड बनी थी, ठीक है। तो ये अपने आप में एक अनप्रेसिडेंशियल रूल था। इसके बाद क्या हुआ था इनके बारे में, और एमएलए तो काफी बार रही हैं, एमपी भी रही हैं, तो अच्छा खासा पॉलिटिकल करियर रहा है और सम्माननीय व्यक्ति हैं। इंदिरा गांधी हमारी 84 में खत्म हो गई ना, हाँ हाँ 75 नहीं और पहले से भैया, क्योंकि हाँ 67 होगा हमारे लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद के बाद, यही तो बनती है, यही टाइम पीरियड है, ठीक है। उसके बाद तो कंटिन्यू बीच में मोरारजी देसाई भी आएंगे 3 साल के लिए, बट फिर बाद में ये अपने दोबारा आ जाएंगे, ठीक है। लहर है भाई, इंदिरा लहर थी उस समय पे। चलो आर्किटेक्चर ये पढ़ने लायक कार्यक्रम है, ठीक है। ये सीधे सीधे पूछा जाएगा, किसकी छतरी कहाँ पर है, आपको आंसर मार देना शिवपुरी में किसकी है, शिवपुरी वाली आती है। देखो राणोजी सिंधिया की कहाँ पे, उज्जैन में है, सुजालपुर में। महाजी सिंधिया पुणे, दौलत राव की तो यही ग्वालियर में छतरी है ही यहीं पे, और सांख्य राजे की और इनकी माधव राव की शिवपुरी, यही दो आती हैं। सांख्य राजे की सबसे ज्यादा आती है, सांख्य राजे की छतरी कहाँ पर है, सांख्य सागर लेक भी कहाँ पर है, शिवपुरी में। ये दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। शिवपुरी इन्होंने बाद में अपनी विंटर कैपिटल भी, ओ विंटर नहीं समर कैपिटल शिफ्ट की थी, विंटर कैपिटल ग्वालियर थी, ठीक है। इसके बाद जीवाजी राव की कहाँ पर है, अपने ग्वालियर में है। चलो भाई जयविलास पैलेस के बारे में कहानियाँ कंप्लीट हो गई हैं, वही सेम ही चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किनने बनवाया, जयाजी राव ने बनवाया था। अच्छा इसके बारे में एक मेन चीज़ याद रख लेना, माइकल फ्लॉज हो ही गया था। हाँ इसमें तीन टाइप का आपको वो मिलता है, मतलब जो आर्किटेक्चरल स्टाइल अगर हम बात करेंगे, कंप्लीट यूरोपियन एक मेजर टर्म होता है कि यूरोपियन स्टाइल में बना है, लेकिन उसमें भी तीन अलग अलग टाइप होते हैं। मुझे इनके बीच में डिफरेंस बिल्कुल नहीं पता, लेकिन नाम में लेते हैं हमें रट लेना है, क्या है, टस्कन इटालियन और क्या होता है इसको कॉर्थियन, है ना, कॉरिंथियन, कॉरिंथियन, ये तीन स्टाइल हैं। आपको कभी आ भी सकता है अपने आप में ये, क्योंकि ये बहुत क्या बोलते हैं, इसकी तीन बिल्डिंग है, तीन मंजिल है ना, तीनों मंजिल अलग अलग टाइप के आर्किटेक्चर को फॉलो करती हैं। तो ये एक मतलब क्वेश्चन पॉसिबल है, ठीक है। आप लिखने को तो यूरोपियन लिख के निकल भी सकते हो, अगर ये लिख दो थोड़ा सा इम्प्रेसिव पड़ जाता है। रिनोवेट, अब ये तो वो कराते रहते होंगे यार, मुझे क्या पता, आपस में करा लेते होंगे। सिंधिया म्यूजियम भी बना लिया है इन्होंने, आपको पता ही है ना, जिसका टिकट बहुत हाई फाई लगा दिया अब तो, है ना, जो कि 1964 के बाद से म्यूजियम बना दिया आधा एरिया। अच्छा एक चीज और, किंग एडवर्ड जो है उनके अराइवल पर ये बनवाया था, सुनो किंग एडवर्ड के अराइवल पे बनाया था, किसके, किंग एडवर्ड इनके अराइवल पे ये बना था। जयविलास पैलेस, माइकल फ्लोस तो मैंने बताई दिया है। चलो भाई ये लंदन से आया मेरा दोस्त, दोस्त आया नहीं है, ये वही वाली जगह है अपना जॉर्ज कैसल, है ना, किसका, वही मैं कह रही हूँ माधव राव होना चाहिए, गलत हो गया, ठीक है, माधव राव का टाइम पीरियड है, गलती हो गई टाइपिंग में ही है।
ठीक है, माधवराव ने बनवाया, इसको काट लो लिख लो, है ना, काट के लिख लो, थोड़ा हाथों कष्ट दो, है ना, माधवराव की आप यहाँ लिख लेंगे, माधवराव। सही कैसे है, माधवराव सही है ना, वो काट लो, सही कर लो, ठीक है। इसके बाद अपन को क्या याद रख लेना है कि 1911 हो गया, इसमें किसके लिए बनाया था ना, कौन दोस्त था इनका, जॉर्ज, ये लिख ऊपर लिख दिया वैसे, जॉर्ज फिफ्थ लंदन से आया मेरा दोस्त, ठीक है। ये कौन सा है, अपना पर्शियन और इटालियन स्टाइल में है, और इसमें सैंडस्टोन और ब्रिक का इस्तेमाल किया गया। सैंडस्टोन तो पता ही है, अपने थोक में मिल रहा है, अपन करेंगे इस्तेमाल। एक आध का ये अलग सा है जो कि होलकरों में था, आपको पता है ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल हुआ काफी, बेसाल्टिक, सॉरी बेसाल्टिक पत्थरों का होलकर में हुआ है, लकड़ी का होलकर में हुआ है, तो ये थोड़े से डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं, इनमें कुछ अलग नहीं है। चलो भाई, मोती महल बाय दौलत राव सिंधिया, आपके में शायद गलत लिखा होगा, है ना, उसको दौलत राव सिंधिया कर लो काट के फटाक से, मोती महल में, हाँ काट के इसको दौलत राव सिंधिया कर लो, ठीक है। ये मैंने ना प्रिंट करवाने के बाद देखा कि यार इसमें गलतियां चली गई हैं एक दो, ठीक है। इसके बाद क्या है, जो मैंने बताया था यही विधानसभा ऑफ मध्य भारत काफी लंबे समय तक रही, तो ये तो अपन को पता ही है कहाँ पे, तो अपन देख भी आएंगे पर्सनली। चलो भाई पेंटिंग की बात कर लेते हैं, कुछ खास है नहीं है, बट इसमें जो फीचर है वो समझ लो, फीचर ये है, बाकी सब फालतू की बातें। थीम याद कर लेना, कभी सिंधिया पैलेस जाओ तो वहां पे जो पेंटिंगे लगी देख लेना क्या है, शिकार विकार की पेंटिंग है, शेर बैठे हुए हैं बंदूक लिए, इस टाइप की पेंटिंग है इनकी बनी हुई है, ठीक है, उधर सारी। इसके बाद याद रखना एक मेन इनके में जो फीचर मिलता है वो है तो यूरोपियन स्टाइल, लेकिन जो बैकग्राउंड है वो बुंदेली पेंटिंग्स का बैकग्राउंड यूज कर रहे हैं, मतलब ब्राइट कलर इस्तेमाल हो रहा है, समझो। हाँ और वो तो ठीक है, जो वो तो ऑब्वियसली अपन को पता ही है, कोई बड़ी बात नहीं, बट मेन ऐसे फीचर है कि मर्जर है, अमलगमेशन है दो तरीके का, है ना। ये इनकी सारी चीजों में अगर आपको लिखना हो, आपको फ्यूजन स्टाइल है एक तरीके से, ठीक है। बाड़ा आप जाओ तो बाड़े पे अपन देखेंगे सारी चीजें अलग अलग स्टाइल में बनी हुई है, कुछ है ना इस्लामिक टाइप में भी हैं, कुछ मतलब बहुत सारी यूरोपियन की जो अलग अलग आर्किटेक्चर है ना वो स्टाइल, यहाँ पे कहीं इटालियन है, कहीं पर्शियन है, ऐसे कहीं अलग अलग सारी बिल्डिंग्स हैं। अब इसका अच्छा खासा इतिहास है, कभी देख लेना, फालतू का लगा मुझे तो, पढ़ने में मन नहीं आया था ना, पढ़ाने में लग रहा था, ठीक है, देख लेना थोड़ा सा, कभी इंटरव्यू के टाइम पे जरूरत पड़ेगी, अभी तो कुछ नहीं, प्री मेंस कुछ नहीं आने वाला, इंटरव्यू में आपको थोड़ा सा ये डिटेल पढ़ना पड़ेगा, तब देख लेना। उज्जैन में क्या है, बैजाबाई ने क्या बनवाया था, गोपाल मंदिर बनवाया था, तो वहां पर ये रासलीला की ये सब पेंटिंग वगैरह है। एक और चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, वो मैंने लिखवाई नहीं है, माधोराव में लिख लो, गुजरी महल म्यूजियम, गुजरी महल म्यूजियम माधोराव के टाइम पे चालू हुआ है, गुजरी महल म्यूजियम माधोराव के टाइम पे। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बाग पेंटिंग मैंने पढ़ाई थी तुम लोग को, कहाँ पर थी, धार में थी, वो इन्हीं के अंडर में आता था कहीं ना कहीं, एक इन्फ्लुएंशियल, तो वहां की जो पेंटिंग है ना वो खराब हो रही थी। माधोराव में लिखो गुजरी महल पैलेस, हाँ गुजरी महल म्यूजियम, अरे नहीं पता क्या गुजरी महल कहाँ है, किले के नीचे गुजरी महल म्यूजियम, शाल वंजी का बढ़िया चलता है, दनादन जाओ खूब देखो, मैं तभी देख के आई थी, अच्छी रीजनल नॉलेज मिलेगी आपको, अच्छा इंसाइट मिलेगा। अच्छा वहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट याद है, सुनो सुन तो लो भाई, जो बाघ पेंटिंग को प्रिजर्व कराने वाला काम है ना, मतलब वहां पे तो करा नहीं सकते, वो तो किले उसके अंदर है, गुफाएं के जितना हो सकता है वो, बट उसको एज इट इज उसका रेप्लिका बनवाया है उन्होंने, गुजरी महल में लगी हुई है वो बड़ी सी पेंटिंग, ठीक है, तो बाघ पेंटिंग का जो रेप्लिका है ना वो वहीं पे मिलेगा आपको, ठीक है। चलो आखिरी आ जाते हैं, टाइम कितना हो गया, कंप्लीट होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं पूछूंगी थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं, लिटरेचर और इंडस्ट्री। लिटरेचर में तो ये मैं बताई चुकी हूँ, वही अलीजा प्रकाश, कुछ खास है नहीं है, मेन है यहाँ पर अपना इंडस्ट्री, ग्वालियर पॉटरीज। तो यहाँ पे जो मेन काम हो रहा है वो किस चीज का है, क्लॉथ्स और वुड का, तो वुड के लिए इन्होंने कम से कम 62 इंडस्ट्रीज हुआ करती थी फर्नीचर से रिलेटेड उस समय पे, अब तो पता ही अपन को क्या हालात है, बट अभी उस समय पे टीक का फर्नीचर बहुत ज्यादा बनता था। 3 कॉटन मिल खुलवाई गई थी जिसमें जीवाजी कॉटन मिल्स हैं अपनी, मोतीलाल अग्रवाल मिल और ये आदर्श कॉटन मिल, ये तीनों बनवाई थी यहाँ पर एमपी में, मतलब ग्वालियर में, इसमें जेसी मिल तो काफी दिन तो चलती भी रही थी, आपको पता ही है। ग्वालियर पॉटरीज की एस्टेब्लिशमेंट किसने करा, माधोराव ने किया। आप माधोराव के फैक्ट इसमें से देखते हो बहुत सारे हैं, ये जो मिल वगैरह है ना ये भी माधोराव एस्टेब्लिश करवा रहे हैं कहीं, नहीं जीवाजी कॉटन मिल तो नहीं, खैर
बट ये कुछ इनमें भी कंट्रीब्यूशन का अच्छा खासा है, एग्जैक्ट डेट्स तो नहीं मिली मुझे। टीक लकड़ी होती है, सागौन बोलते हैं, सागौन। हाँ सागौन, नहीं तो अपन को पता होना चाहिए, अभी एमपीजी के पढ़। ठीक, लकड़ी है, सागौन, सागौन बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ग्वालियर पॉटरीज की स्टेब्लिशमेंट किसने करवाई है, ये अपना माधवराव सिंधिया के समय पे ही है। ठीक है, लेदर फैक्ट्री भी हुआ करती थी इन्हीं के समय पे। ठीक है, इंडस्ट्रियल, सुनो इंडस्ट्री, अब देखो तुम लोग को माधवराव के काफी सारा कंटेंट मिला जा रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक अपने आप में एक टॉपिक हो जाएगा इनके समय पे। 11 मार्क का जब लिखेंगे ना, ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए लिखना। आप गुजरी मेल कल्चर में डालोगे है ना, आप ये सब इंडस्ट्री हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अपने आप में एक टर्म डाल देना, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप क्या क्या डाल दोगे भाई। अच्छा एक और चीज है, 1908, नहीं सॉरी 1900, इनका नहीं आएगा टाइम, टाइम दूसरा हो जाएगा। हाँ 1903 सही तो है, 1903 में लिख लो ग्वालियर लाइट रेलवे। ग्वालियर लाइट रेलवे, ये जो छुक छुक गाड़ी छोटी चलती थी ना, वही उसको बोलते हैं ग्वालियर लाइट रेलवे, ये भी चालू करवाई थी इन्होंने। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वो, मतलब इसको 04 भी लिख सकते हो, 0304, एक दो स्टेजेस में चालू हुई थी, तो 1903-04 करके लिख लो ग्वालियर लाइट रेलवे, ये भी इन्होंने चालू करवाई। हाँ बिल्कुल, माधवराव के समय, माधवराव में अच्छा खासा है, 11 मार्क का तभी बोल रही हूँ बनेगा है ना, 11 मार्क का डेफिनेटली बने। अपनी जो, अच्छा आंसर कॉपी तुम लोगों ने खोखावा दी क्या, नहीं तो उसमें अपन लिख लेंगे ये वाला होमवर्क। छत्रसाल भी है, बुंदेला भी है, माधवराव को ट्राई करना, नहीं तो मैं खुद भी बना के दे दूंगी लास्ट में एक मॉडल आंसर। ठीक है, लाख टॉय, लाख के खिलौने से बनी फैक्ट्री, मतलब ये सारी अपने यहाँ थी है। अब तो बंद बंद हो गई सब, पता ही अपन को सब बंद हो गई। चलो भाई, जेसी मिल थी ना, अरे जीवाजी कॉटन मिल्स लिखा हुआ, वही जेसी मिल है बंद हो गई है ना। अपने तो बिरला नगर की भी कांच मिल बंद हो गई, सब बंद हो गई अब तो ग्वालियर एरिया में, तो यहाँ का कल्चर नहीं है मेन चीज है। मतलब उन्होंने बनवा बनवा के अच्छा, इनके समय पे अच्छा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था सिंधियाओं के टाइम पे, बिरला के से इनके अच्छे रिलेशन थे तो उन्होंने खुलवा ली थी, बट यहाँ लोग पत्ते खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, हाजिरी लगा के आ रहे हैं, ये आपको पता ही है, जो बिरला नगर है ना ये पूरा वही एरिया था, जो वर्कर वाले लोग हैं वही रह रहे हैं आज भी, उन्हीं के बच्चे बच्चे रह रहे हैं जो वर्कर थे, तो वो उन्हें अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते थे बिरला इंडस्ट्री जहाँ आ जाए ना आस पास, अच्छा डेवलपमेंट। तो जो बिरला नगर स्टेशन तक है उनका पूरा है ना, इसीलिए था, काफ़ी अच्छा व्यापार था, लेकिन वो कल्चर बेकार है ग्वालियर के एरिया के आसपास का। इवन आपको कभी बताना तो बोल देना ये वाली बात, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है मालनपुर पूरा बंद पड़ा पड़ा है, बहुत सारी इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री हुआ करती थी एक समय पे मालनपुर में, वो बंद पड़ी हुई है। आपसे क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा अंडर डेवलप्ड क्यों है इंडस्ट्रियल, तो भाई माहौल नहीं है हमारे यहाँ मेन चीज। माहौल कैसे बनाओगे तो वो अपने बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब उसमें पढ़ लेंगे, इकोनॉमी में थोड़ा सा देख लेंगे बनना कैसे है। चलो आ जाते हैं, नगर पालिका जो अभी अपनी है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वो कब की है देख लो, कितनी पुरानी है, 1887 के समय की ग्वालियर म्यूनसिपैलिटी है, तो बहुत पुरानी है। ठीक है, इसके बाद आपको बताया पंचायत बोर्ड का गठन करा है ना, पंचायत बोर्ड 1911 से 12 के बीच में, एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा जब आज़ाद, मतलब 25 माने कि जब जीवाजी राव को मिलती है गद्दी, उस समय पे 150 से ऊपर पंचायत बोर्ड थे हमारे यहाँ ग्वालियर, ग्वालियर एरिया में, तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में है ना, राजा डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहा है, तो अच्छी इनोवेटिव बात है। एग्रीकल्चर में अगर बात करें तो ये सारे डैम, ठीक है, क्या किया था इन्होंने, लेक, राजमहल लेक्स बनवाई थी 12, और हरसी डैम, तिगरा और ककेटो, तीन डैम है, हरसी और ये दोनों तो अपने, नहीं तिगरा तो साक नदी पे, सॉरी हरसी और ककेटो तो सिंध पे है, और तिगरा जो है वो साक नदी पे है, पता ही होगा। ककेटो डैम ये सिंध नदी पे है, ग्वालियर एरिया में पड़ता है, हरसी डैम भी सिंध पे है, और जो तिगरा है वो अपनी साक नदी पर है। ठीक है, साक लेक खुदवाई है लोग इरिगेशन पर्पस के लिए, कुएं वो तालाब बड़े बड़े है ना, अब तो सब बंद हो गए हैं, सब रहे नहीं, यही डैम है, डैम 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 बताया ना, हरसी तिगरा और ककेटो, हरसी लिख लो यहाँ पे सिंध नदी पे है, ककेटो सिंध पे है, और जो तिगरा है वो साक नदी पे है, लिख लो साक। ग्वालियर किस नदी के किनारे बसा है, साक नदी के किनारे बसा है, ये क्वेश्चन आ जाए तो लगा देना, तिगरा पे, तिगरा गए हो तो वो नदी वही सांख नदी है,
और सिंध तो पता ही है अपन को कहाँ बहती है, थोड़े आउटर एरिया में रहती है ना, तो वो शहर के अंदर नहीं है, जिले में टच करके जाएगी सिंध, तो वो हरसी और ककेटो वहाँ पे पड़ता है। चक्कर क्या है ना, अपन ग्वालियर के नाम पे सिर्फ ग्वालियर शहर सोच पाते हैं, ग्वालियर बहुत बड़ा है ना, बहुत तहसील है। चलो तो ये इसका प्लीज आप लोग ध्यान रखें बहुत अच्छे से, प्यार से देख लो, ध्यान से। सारे ओटी होंगे, 4 तारीख को एमपी हिस्ट्री देना है आपको, 5 को देना है एमपी कल्चर का 100 क्वेश्चन, और 7 तारीख को क्यूटीएस नंबर 6612 है, पूरा फुल A to Z। कल्चर अलग है, ये कल्चर है, सिर्फ हिस्ट्री है पूरी शुरू से स्टार्टिंग से जितनी पढ़ सकते। वैदिक क्यों, प्री हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे? प्री हिस्ट्री से लेके मॉडर्न हिस्ट्री तक, हाँ जो भी है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है, मैंने बीच बीच में तुम लोग से पूछा भी है, बीच बीच में टेस्ट भी लिए हैं, है ना, ठीक है, इसीलिए मेगा टेस्ट रख रही हूँ भाई, पढ़ के आना। इसके बाद है ये कल्चर वाला, तो कल्चर भी हमने उस समय भी बहुत अच्छे से पढ़ा था, अभी भी नोट्स दे दिए हैं, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते चलो अभी से ही, थोड़ा टारगेट मोड पे इसको दे लो। और फिर 621 क्यूटीएस नंबर आपका होगा तो वो यूनिट 1 का होगा, तो आपको सबको देना है, मैंडेटरी है। ये 3 टेस्ट दूंगी, यूनिट 1 कंप्लीट, कल्चर हिस्ट्री दी एंड, ठीक है। एमपी का कल्चर, एमपी की हिस्ट्री, जिसमें से 10 क्वेश्चन प्री में आएंगे ही आएंगे, और मेंस में सीधे सीधे 60 नंबर है, ठीक है। हाँ कल मैं इसको पढ़ा दूंगी, आ जाओ कल पढ़ा देती हूँ, टेस्ट भी अच्छा। हाँ तुम लोग का कोई दिक्कत नहीं है, इसको रीड कर लेना एक बार, वैसे अपन पढ़ चुके हैं तो इतनी समस्या आएगी नहीं, है ना।